प्रकृति अपने को कितना देती है इसके बारे में भी आपने विचार नहीं किया होगा, लेकिन आप प्रकृति का कितना जो दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का कितना हनन कर रहे हैं, प्रकृति के ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं। ये प्रकृति अपने को पेड़ पौधे छांव धूप बारिश जो भी होती है इस प्रकृति के कारण होती है, और अपन इस प्रकृति के ऊपर इतना अत्याचार करते हैं जिसकी कोई जो सीमा नहीं। आज अपन जिस जगह खड़े हैं, क्या आपने कभी विचार किया ये धरती माँ जो है इस प्रकृति के कारण ही ये फसलें पैदा होती है जिससे अपनी उदर पूर्ति होती है, इस देश के अंदर खाद्य पूर्ति होती है। कभी विचार नहीं किया, कभी कभी इस जगह बारिश होती है अपन इस जगह आ नहीं पाते हैं, आज अपन कितने एकदम खुश मिजाज से इस धरती के ऊपर खड़े हैं, कितनी हरियाली है जो दिख रही है जो आंखों को शीतलता दे रही है, आपने कभी ये भी ख्याल नहीं। लेकिन प्रकृति को हमने क्या दिया इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपने कितने पेड़ कट रहे हैं, आपने एक व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी में पूरी लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी के अंदर यदि 5 पेड़ भी लगा देता है तो मानो उसने बहुत सारा कुछ इस प्रकृति को दिया। प्रकृति से अपन जो लेते हैं कुछ फल कुछ पौधे लेते हैं, लकड़ियां लेते हैं, कुछ दवाइयां लेते हैं आयुर्वेद के रूप में, सांसें लेते हैं अपन, वो सारी प्रकृति से ही अपने जो ले रहे हैं। लेकिन अपनों ने प्रकृति को क्या दिया विचार नहीं किया आपने कभी। प्रकृति को आपने 5 पौधे लगाकर अगर एक व्यक्ति उसकी उनकी हिफाजत करता है, उनकी रक्षा करता है, उनको सिंचन करता है, उनका सिंचन करता है, जानवरों से बचाता है, 5 पौधे भी एक व्यक्ति अगर लगा देता है तो शायद मैं सोचता हूँ उसकी ये पूजा हो गई। प्रकृति एक भी ये भी एक वनस्पति देवता है अगर माने जाए, अगर माने हैं तो। इसलिए प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करना ही ईश्वर है जो पूजा होती है, ईश्वर पूजा ही प्रकृति की पूजा है और प्रकृति की पूजा ही ईश्वर पूजा है। आपने प्रकृति के साथ में यदि प्रेम किया है तो आपने मानो ईश्वर के साथ में प्रेम किया है। यदि ईश्वर से अगर आपकी पूजा करनी है तो आप जो प्रकृति की पूजा करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।